नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल, इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। बिलासपुर में आज चौथे दिन यहां पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। जल जंगल जमीन, ये छत्तीसगढ़ की सियासत, संस्कृति और भौगोलिक विविधताओं के लिए अपने आप में जाना पहचाना जाता है, एक इसकी विशिष्ट पहचान है। और इन्हीं जल जंगल जमीन के क्षेत्रों में जो सेवा देते हैं, जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को ट्राइबल शिक्षक कहा जाता है, या टी संवर्ग के शिक्षक कहा जाता है, मतलब ट्राइबल में पढ़ाने वाले शिक्षक। ये शिक्षक आज सहायक शिक्षक से पदोन्नत होकर उच्च वर्ग के शिक्षक बन रहे हैं। ये प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अब उच्च वर्ग के शिक्षक इस काउंसलिंग के बाद की पदस्थापना में बन जाएंगे, और अब ये मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। एक लंबा वक्त इन्होंने प्राथमिक स्कूल में गुजार दिया। संविलियन के पूर्व के इसमें अधिकांश शिक्षक हैं जो 2-2.5 हज़ार रुपये से अपनी सेवा शुरू किए थे और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। संविलियन के बाद इनके जीवन में आर्थिक उन्नति आई और अब ये आर्थिक उन्नति उच्च पद पर जा रही है। शिक्षकों के मामले में वैसे भी कहा जाता है कि ये संवर्ग जो भी पाया है लड़के पाया है, लेकिन ये जो पदोन्नति है इनको एक सौगात के रूप में मिली, और सौगात कहीं ना कहीं सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को लेकर जो दबाव बनाया गया था, उस दबाव की रणनीति के फलस्वरूप उस दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर पदोन्नति दी गई है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर आज भी अपने सहायक शिक्षक साथियों के लिए डटे हुए हैं शिक्षक नेता अश्विनी कुर्रे। अश्विनी जी, आज आपके बहुत से ट्राइबल के शिक्षक यहाँ पर पदोन्नत हो रहे हैं, उच्च पद पर जा रहे हैं जी। क्या भाव है इनके मन में और क्या सोच है, और क्या यहाँ पर अभी आप जो आप देख रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है वो कैसी लग रही, कितनी पारदर्शी है? वास्तविक में जो यहाँ आ नहीं पाए हैं और अपने घर बैठे हैं और नेताईगिरी कर रहे हैं केवल व्हाट्सएप में कि ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है, उसके लिए एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। आप यहां आएं और यहां की पदोन्नति प्रक्रिया को देखें। हम लोग इस पदोन्नति को प्राप्त करने के लिए, हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए साल भर तक कोर्ट का चक्कर काट के आज यहां तक पहुंचे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि इस पदोन्नति त्यौहार में किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो। अगर किसी साथी असंतुष्ट हैं, किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आए, हम उनके लीडर हैं, हम बिल्कुल जाके उनकी बातों को उच्च अधिकारी के पास पहुंचाएंगे और उनकी समस्या को रखेंगे। जिस प्रकार यहाँ के साथियों का चेहरे के मुस्कान को देख रहे हैं, 10 से 15 वर्षों बाद इनके चेहरे में जो मुस्कान है वो खिला हुआ है, परंतु छोटा सा समस्या आ रहा है कि ये है कि इनके मन में बहुत बड़ी दुविधा है कि पद की संख्या ब्लॉकों में, जिलों में ज़्यादा दिखा रहे हैं, परंतु यहाँ वर्तमान स्थिति में कम है। तो हमने उच्च अधिकारियों से चर्चा किया और उन्होंने कहा कि पद की जो संख्या है, सीधी भर्ती के लिए आधे पद को रखा जाता है, आधा पद को पदोन्नति के लिए रखा जाता है, ये शासकीय नियम है, तो इसका पूर्णतः अक्षरता पालन किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमने देखा। परंतु थोड़ा सा मुझे एक खेद लगा कि जैसे कि कई ब्लॉकों में कुछ संख्या ज़्यादा बता दी, ज़्यादा दिए हैं, और कुछ ब्लॉकों में 4 पद 5 पद 5 पद 7 पद है, तो इसको थोड़ा सा टेबल में अच्छे से बनाना था, सभी ब्लॉकों को बराबर मौका हमारे साथियों को देना था। ये थोड़ा लिपकी त्रुटि हुआ है या चूक हुआ है, परंतु निश्चित ही कुल मिलाकर पदोन्नति की जो प्रक्रिया है हमारे बिलासपुर संभाग का काबिले तारीफ सराहनीय है। कैसा लग रहा है सर, पहले तो बताओ पदोन्नति हो रहा है? पदोन्नति तो अच्छी लग रही सर जी, लेकिन इसमें एक समस्या है। मैं खरसिया विकास संघ से हूँ, गिरधर प्रसाद सारथी। हमारे यहाँ जो है 30 पद करीबन था, उसमें जो है मात्र 4 पद दिखाया गया है, इसमें हमें बहुत खेद है, उसके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जो फाइनल सूची बनी थी उसमें था? फाइनल सूची नहीं, हम लोग के विकास खंड के जानकारी अनुसार जो है 30-32 पद वहाँ पर है। आपकी जानकारी के हिसाब से
मतलब आपकी जानकारी के हिसाब से 30-32 पद वहाँ पर खाली है, जान रहे पहले से, लेकिन जो सूची जो भेजी गई, जो फाइनल सूची बनी, उस सूची में गड़बड़ी तो नहीं? जानकारी है उसमें भी 30-32 पद है, उससे ज़्यादा है, लेकिन केवल 4 पद जो है दिखाया जा रहा है गणित का यहाँ पर। यहाँ पर एक त्रुटि यहाँ से हो रही है, विकासखंड से हुई हुई है कि यहाँ यहाँ से हुई है, क्या बोलते हैं, संयुक्त संचालक कार्यालय से हुई है? अब उसको तो ऑफिशियल जो कर रहे हैं वही लोग बता पाएंगे कहाँ से क्या गलती कर रहे हैं उसको। और हम लोग के लिए तो बहुत खेद की बात है कि हम लोग जो है वहाँ इतने दिन से सेवा कर रहे हैं 15-20 साल से, उसके बाद जो है हमें यहाँ जो सूची चस्पा है, उस चस्पा सूची में कितने पद हैं? केवल 4 पद दिखाया जा रहा है, यहाँ दिखा रहा है ना? जी जी, मतलब जो काउंसलिंग हो रही है जी जी, यहाँ जो पद दिखाए जा रहे हैं उसी के हिसाब से, उसी में केवल 4 पद उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसमें दिक्कत नहीं है ना सर जी, लेकिन अपने पद को छुपा दिया गया है ना? आपकी आपको ऐसा लग रहा है? मैं जो रिक्त पद है उसमें का 50% जैसे शो करना, एकल शिक्षकीय की दुकल शिक्षकीय, वो भी कौन सा वाला जो बता रहे हो पद छुपाया गया है, वो एकल शिक्षक ही नहीं है सर जी? एकल शिक्षक नहीं है जी। यहाँ जो काउंसलिंग चल रही है अश्विनी, जो एकल शिक्षक दुकल शिक्षक जी, शासन का जो योजना है जिसमें शासन का कहना है कि सबसे पहले एकल शिक्षक को भरा जाए, और जो शिक्षक विहीन है ऐसे स्कूलों को प्रथम प्राथमिकता में रखते हुए उनको हमारे पदोन्नत साथियों को वहाँ, यहाँ जो पदोन्नति हो रही है उसमें प्राथमिकता किसको दी जा रही है? प्राथमिकता एकल शिक्षक ही और शिक्षक विहीन। अभी आप काउंसलिंग में गए थे क्या? नहीं नहीं गए। नहीं गए हो, अभी जाओगे तो अगर वहाँ पे 2-3-4 शिक्षक होंगे तब तो दिक्कत होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अब वो तो जाने के बाद पता चले। अभी ये काउंसलिंग पे नहीं गए हैं, और भी लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि स्थिति क्या है, समस्या क्या है, और आने वाले समय में क्या समस्या इनको हो सकती है। अब तक फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आपसे एक गुजारिश है कि टीम सिजीवाल का हौसला बढ़ाने के लिए हमारी खबर को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।